दर दर की रोटी को मोहताज है छोटा भाई बड़े भाई की दबंगाई के कारण तो आइए देखते हैं अनुज कुमार तोमर बदायूं से खास रिपोर्ट बदायूं के बिलसी के थाना क्षेत्र के ग्राम उघैती के समीप चनी का गांव है जहां पर पीड़ित के माता पिता के मौत के बाद लगभग 10 से 12 बीघा जमीन उसके नाम आ गई थी जो कि उसके बड़े भाई सत्यपाल और उनके लड़के के द्वारा उन्हें नहीं दिया जा रहा जबकि पीड़ित के छः बीघा गेहूँ अभी तक कटे पड़े हुए हैं लेकिन भाइयों और भतीजों पर पीड़ित ने दबंगाई का आरोप लगाया है कहां के रहने वाले हो? चारे? चारे? क्या समस्या आया भी? गेहूँ निकलने दे रहे हैं गेहूँ नहीं निकलने दे रहे साहब ये गेहूँ देखो बेकार हो गए सब हमारा पेपरमेंट बेकार होगा हमारा एक सवा लाख रुपए का नुकसान हो गया अब हम बताओ इस गांव में रहकर क्या करें क्या बाहर चले जाएं या जहर खा के मर जाएं या क्या करें हमारी समस्या में कौन सा थाना लगता है आपको थाना वह तहसील कौन सी लगती है तहसील बिलसी तो गेहूँ क्यों नहीं निकलने दे रहे हैं ये लोग गेहूँ नहीं निकलने दे रहे खेती पड़ी रहेगी कोई नहीं करेगा खेती को नहीं निकलने देने वाले कौन है सत्यपाल है उनके लड़के नीसू मोहित पार। और आर ललता आप, आपके परिवार के हैं हाँ, हाँ परिवार के हैं कौन लगते हैं आपके भाई लगते हैं पहले भाई, भाई है सबसे सब बड़ा हुआ बेईमान है पक्का अच्छा हाँ सब संपत्ति जो खत्म होगा उसकी सब संपत्ति दाब गया वो ही। अच्छा हाँ तो जमीन आपके नाम आ चुकी है हाँ जमीन हमारे नाम पे अच्छा आपके पिताजी हैं पिताजी खत्म हो गए माताजी माताजी खत्म हो गए अच्छा तो इसकी शिकायत आपने कहीं कहीं की थी शिकायत शिकायत करी हमने इसकी जी दस चेहत्तर पुलिस वालों ने अपनी कम्प्लेट झूठी लगा के भेज हमें हमें नहीं नहीं पता क्या करा क्या और है इस मामले की क्या करा क्या नहीं करा अच्छा हम क्या जानते है अगर हमारा न्याय नहीं होगा तो हम तो साहब को हमने फोन किया जी जिस दिन लड़ाई हुई है उसके दूसरे दिन को हमने साहब हमारे गेहूँ नहीं निकलेंगे तो बोले गेहूँ क्या मैं अरे सरा मुठा मैं लगाऊंगा मैं मुठा नहीं लगाऊंगे जो लोग नहीं निकलने दे रहे हैं उन्हें तो निकल पाओगे वो कौन नहीं था मेरे सत्यपाल जी मैंने पाँचों जन के नाम बताए इन्हें तो बोले ठीक है हम पुलिस भेजेंगे अब पुलिस उस दिन तो आई नहीं दूसरे दिन को पुलिस आई तो पुलिस गेहूं को देख गई गेहूं लिखवाने की पुलिस ने नहीं की पुलिस जो बोली जमानत करा लो अपनी अच्छा हाँ एक सौ इक्यावन जमात करा पा आपने एक सौ इक्यावन जमात करा जमानत करा आ, एक ली हमने मगर आपको न्याय नहीं मिल पा न्याय नहीं, नहीं मिला नहीं मिला आप हमारे पीछे क्या चाहते हैं आप प्रशासन से प्रशासन से ये चाहते हैं हमें तो न्याय मिले अच्छा और हमारा नुकसान न्याए है इसकी भरपाई चाहे तो सरकार दे चाहे उससे दंड उस पर डाला